दोस्तों इन लोगों के बारे में आपको हम बाद में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो के बीच में बताएंगे। और ये शूज डालकर शहीद भगत सिंह की समाधि पे चल रहे थे। देखो, हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी मैं कहाँ पे हूँ? पुलिस स्टेशन में। रात में यहीं पे सोया था। देखो, ये इस साइड गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये इस साइड पुलिस स्टेशन है अंदर। तो रात मुझे एक भाई जी मिल गए थे और रात में यहीं पे स्टे था मेरा। ये खड़ी है साइकिल अपनी। इस साइड जाना है अभी अपने को। कितना कितना दूर होगा सर यहाँ से हुसैनी वाला बॉर्डर? एक ही किलोमीटर? 36 किलोमीटर। दोस्तों मैं घूम रहा हूँ विदाउट मनी से पूरा इंडिया और मैं रात को रास्ते से जा रहा था। मैं हूँ पुलिस स्टेशन में। तो ये अनमोल भाई जी मिल गए थे मुझे रात, पुलिस में आए भाई। रास्ते में से मैं जा रहा था तो मुझे रास्ते में ही से मिल गए थे। मैं साइकिल लेके आ रहा था, साइकिल लेके भाई आ रहे थे। तो मैं रात को यहीं पे सोया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ हुसैनी वाला बॉर्डर की तरफ। ये खड़ी है अपनी साइकिल और ये इस साइड देखो पुलिस स्टेशन। थैंक यू भाई जी। तो गाइस बस 10 किलोमीटर रह गया फिरोजपुर और हमने काफ़ी तय कर लिया सफ़र। देखो सिंगल रोड है ये, इस साइड से छोटा सा ही रोड है जो फिरोजपुर की तरफ जाता है। बाकी ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे। जैन सर, मैं सर अम्बाड़े से। हाँ जी, कैमरे की वीडियो ऑन हो गई। जी जी, बंद करूँ? इसको बंद करें। वहाँ पे थोड़ा आर्मी एरिया की वजह से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए हमने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। और अभी हम पहुँच चुके हैं सीधा शहीद भगत सिंह की समाधि स्थल पे। तो चलिए फिर आपको पूरा डिटेल से बताते हैं। तो दोस्तों हम एंटर हो चुके हैं और उस साइड में देखो वहाँ पे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की समाधि बनाई हुई है उस साइड में। और ये देखो इस साइड, ये क्या है? ये रेलवे का पुल था यहाँ पे, यहाँ से ट्रेन चलती थी पाकिस्तान के लिए। ये ब्रिज है जो ये 1887 में बना था और यहाँ से फिरोजपुर से सीधी पाकिस्तान में ट्रेन जाती थी। और फिर 1965 और 1971 की जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लगी थी तो उसमें फिर पाकिस्तान के जो जहाज़ थे उन्होंने इसके ऊपर गोले बारूद गिराए थे। देखो ये कहीं कहीं से दिख भी रहे हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। ये देखो गोलियों के निशान आज भी हैं इसके ऊपर, देखो। और ये यहीं पे है जहाँ पे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि है उस साइड में। अभी वहाँ भी ले चलेंगे आपको। देखो इस साइड भी दिखाते हैं आपको, गोलियों के निशान, घोड़ों के निशान है जो, वो देखो डैमेज हो रखा है वहाँ से, ये देखो। और इसके अंदर ट्रेन खड़ी कर रखी है ये बताने के लिए। यहाँ पर एक लाइट शो चलता है, अंदर बैठा के उसको दिखाते हैं कि पहले कैसे ट्रेन चलती थी, पूरी यात्रा का वो आनंद ले सकते हैं। अभी बंद कर रखी है क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइम पहले बाढ़ आ गई थी तो सतलुज का सारा पानी यहाँ तक आ गया था, तो इसकी वजह से बंद किया हुआ है ये। देखो शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की हम समाधि के पास आ गए हैं। देखो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनकलाब जिंदाबाद, और ये अमर जवान ज्योति जग रही है यहाँ पे देखो, जो कि हर टाइम जगती रहती है यहाँ। और इस साइड जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है और सतलुज नदी के किनारे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की बॉडी यहीं पे मिली थी, तो उसके बाद यहीं पे उनकी समाधि बना दी गई थी। देखो ये इस साइड तीनों खड़े हैं, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी। एक बंदे की और समाधि है, आपको दिखाते हैं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के अलावा यहाँ पर एक समाधि और है जो कि है बी के दत्त की। देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है समाधि बी के दत्त। बी के दत्त जो थे उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर नेशनल असेंबली में बम गिराए थे और किसी को चोट नहीं पहुंचाई थी, सिर्फ नेशनल असेंबली में जहां पे खाली जगह थी वहां पे बम गिराए थे। तो 1965 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्होंने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद, जब मेरी मृत्यु होगी उसके बाद मेरा जो अंतिम संस्कार किया जाए वो जहाँ पर भगत सिंह की समाधि है वहीं पर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। तो उसके बाद फिर इनका अंतिम संस्कार यहाँ पे किया गया था।
मुझे यहाँ भी काफी बुरी बात ये लगी कि लोग यहाँ पे देखने नहीं घूमने आते हैं, और ये जो लोग खड़े हैं ये बूट शूज डालकर वहां तक चले गए थे, इन्होंने वहां जाके शूज डाल रखे हैं और फोटोज वगैरह उतरवा रहे थे। बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि अंदर शूज डालकर ना जाएं, ना जाएं, ना जाएं, लेकिन फिर भी देखो ये कितने मजे से वहां पे शूज लेके घूम रहे हैं। आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैंने बाहर बोर्ड की और दीवारों के लिखी हुई उसकी भी वीडियो बना रखी है जहाँ पे लिख रखा है कि कृपया जूते बाहर उतार कर जाएं। आप इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे एक बार कमेंट जरूर करना। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की समाधि के पास ये बंदे जूते लेके घूम रहे थे। बाकी दोस्तों मुझे काफी अच्छा लगा यहाँ पे आके। दोस्तों देखो यही है वो लास्ट स्टेशन इंडिया का, हुसैनी वाला। ये रेलवे लाइन दिख रही है जो आपको, ये जाती थी सीधी पाकिस्तान, सीधी पाकिस्तान जाती थी ये, अभी बंद है ये। और ये देखो वहाँ पे उससे टिकट घर भी बना रखा है, देखो वो देखो टिकट घर। ये लास्ट स्टेशन हुआ करता था यहाँ पे हुसैनी वाला। तो दोस्तों बस यही था आज का व्लॉग, आप हमें कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और हम साइकिल से पूरा इंडिया घूम रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।